अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट इतनी कम क्यों है, और इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है। तो देखते हैं पहले बच्चों। अब देखो, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, तो उसके पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन ग्रुप बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अच्छा मेरे बच्चों, अब इस तरह अगर बॉन्डिंग होती है, देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गई, देखो 2, 4, 6 और 8, लेकिन कार्बन सेटिस्फाई नहीं हुई। देखो 2, 4 और 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा कार्बन का? देखो ये बच्चों, ये बॉन्ड बन गए। अब देखो ऑक्सीजन को पास क्या था, लोन पेयर था। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, लोन पेयर शेयर करेगी फॉर बॉन्डिंग। देखो ये लोन पेयर क्या हो गया, शेयर हो गया, इससे दोनों क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का 2, 4, 6 और 8, कार्बन का 2, 4, 6 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा अब ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ, ये किसने किया, ऑक्सीजन ने किया। तो ये प्यारे बच्चों, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, और इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसकी डायपोल मोमेंट इतनी कम की होती है, आपको पता है इसकी डायपोल मोमेंट जस्ट 0.12 डिवाई होती है। अच्छा बेटा, रीजन ये है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है ऑक्सीजन 3.44 है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.55। अब कौन इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रैब हो रहे हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बना रही है, नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन किससे वे मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो एक में टूवर्ड्स ऑक्सीजन है और दूसरी में अवे फ्रॉम ऑक्सीजन है। तो इस वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, इसकी डायपोल मोमेंट काफ़ी कम हो जाती है, 0.12 डिवाई है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।